इसलिए आज गेम चेंजर खेलने की पावर आई है टीम चैंपियंस के साथ। बताओ गाइस, खुद खेलोगे या प्रेशर सामने वाली टीम पे जाना है? सोच समझ के सवाल नए चैंपियन का है, सवाल बेल्ट का है। गाइस ये आज क्या हो रहा है, ये तो टेंशन बहुत बढ़ गई है, टिकटॉकर्स के मुंह लटक गए। लेकिन क्या हो गया गाइस, हो सकता है किस्मत तुम लोगों के साथ हो। स्टिल 21 पॉइंट्स वहां पर हैं, 15 पॉइंट्स तुम लोगों के हैं। जल्दी से बताओ चैंपियंस क्या करना है। गाइस टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। 5 4 सर हम खुद खेलेंगे सर, नहीं हम खुद खेलेंगे। 3 हम खुद खेलेंगे, सोच समझ के आमिर। 2 सर उनको दे दो, उनको दे दो। हाँ सर दे दो, मैं तो खुद खेलना चाहता हूँ। और चैंपियंस ने बोला है कि गेम चेंजर टिकटॉकर्स खेलेंगे। फिनाले का गेम चेंजर है गाइस। पॉइंट्स जीतकर चैंपियंस ने आपको खेलने की दावत दी है। अब ये 4 ब्रीफ केसेस फैसला करेंगे तुम लोगों की किस्मत का कि आज जो टाइटल तुम लोगों के पास है वो तुम्हारे पास ही रहेगा या फिर वो टाइटल आज गया। बताओ 4 ब्रीफ केसेस कौन से खोलूं? हुसैन साहब जल्दी से बताइए, आप कैप्टन है, सोच समझ के जल्दी से माइक में। माइक नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 लेकर आइएगा। ये आ गया जनाब नंबर 5। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 1 लेकर आइए। नंबर 1 नेक्स्ट ब्रीफ केस। और इस वक्त टेंशन अपने उरूज पर है। 5-1 कैप्टन नंबर 7, नंबर 7 लेकर आइए। आज या तो हुसैन हीरो बन जाएगा दोबारा जैसे लास्ट सीजन में बना था या फिर आज कोई नया हीरो रेडी है। जनाब आखिरी ब्रीफ केस कौन सा ओपन किया जाए? जल्दी मंगाओ। 9 नहीं मंगाऊं, नंबर 9। अच्छा नंबर 9 लेकर आओ भाई, नंबर 9 कह रहा है नहीं, मैंने कहा शायद कह रहा है नहीं मंगाएगा। और जनाब शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। 10 पॉइंट्स का है, याद रहे आपके पास एक पावर है कि आप ब्रीफ केस को कहीं भी स्वैप कर सकते हैं। या वो पावर अगर यूज नहीं करनी और आप लोगों को लगता है कि इन चारों में ही है 10 लाख, तो दुआ करो कि किस्मत आज तुम्हारा साथ दे, वरना डिजर्विंग आज टीम चैंपियंस हैं। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। बताइए हुसैन साहब पहला ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? सब बताओ वही करेंगे। शाबाश, रिलैक्स, सोच समझ के क्या करना है सब मिलकर डिसाइड करो ताकि किसी एक पर ब्लेम ना आए। बताओ जल्दी से कौन सा ब्रीफ केस? 9 नंबर 9 ओपन कर दूं? लाइए जी नंबर 9 लेकर आइए। और टिकटॉकर्स ने नंबर 9 को ओपन करने के लिए मुझे बोला है। आखिरी बार पूछूंगा टिकटॉकर्स, नंबर 9 ओपन कर दूं? जी नौ नंबर ब्रीफ केस में आज क्या बात है आमिर भैया, तैयारी पकड़ ली है तुमने मैं चैंपियन बनने की? कौन कौन रेडी है? सब रेडी है, लेकिन वो उसी वक्त बनोगे ना जब वो लोग हारेंगे। और आज ब्रीफ केस नंबर 9 में 10 लाख रुपए नहीं निकले, अभी नहीं निकले। 5 लाख रुपए थे ब्रीफ केस नंबर 9 में। बताइए अब 3 ब्रीफ केसेस में है तुम्हारी किस्मत का फैसला, नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? फाइनल के 3 ब्रीफ केसेस बाकी है, या कोई नया चैंपियन बनेगा या फिर
जो डिफेंडिंग चैंपियन है वही चैंपियन रहेंगे नेक्स्ट सीजन में, जल्दी बताइए। कैप्टन है हुसैन, और हुसैन लास्ट टाइम भी कैप्टन था फाइनल का, और इसने अपनी टीम को जितवाया था मुझे याद है। आज बड़ी उम्मीदें हैं टिकटॉकर्स की हुसैन से। हुसैन मियां सेकंड ब्रीफकेस नंबर, तुम्हारी आवाज कहां चली गई? नंबर फाइव, अरे जल्दी लेकर आओ नंबर फाइव। हुसैन मियां नंबर फाइव खोल दूं? नंबर फाइव ओपन कर दूं? जी। मेरी आंखों से ना पढ़ना कुछ, मेरी आंखें खाली हैं, कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए मेरी आंखों में, ये बता दूं मैं तुम्हें। सिर्फ तुम लोगों के किस्मत ही है जो आज बचाएगी। नंबर पांच ओपन करवा दिया है, और आखिरी बार पूछ रहा हूं, ओपन कर दूं? ओपन कर दूं? और ब्रीफकेस नंबर पांच ओपन करवा दिया। मैं सच बता रहा हूं, पूरे सीजन का गेम चेंजर एक तरफ और आज का गेम चेंजर एक तरफ। लिटरली जितनी टेंशन तुम लोगों को है, जितनी टेंशन तुम लोगों को है, आज मुझे भी उतनी टेंशन है, और बाखुदा मुझे भी नहीं पता कि किस ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए, या मैं यूं कहूं कि मुझे नहीं पता था कि किस ब्रीफकेस में थे 10 लाख रुपए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ब्रीफकेस दिखाऊंगा। टिकटॉकर्स 6 लाख बार, सिर्फ दो ब्रीफ केसेस, सिर्फ दो ब्रीफ केसेस। इस वक्त इतने सारे लोग दुआ कर रहे होंगे तुम लोगों के लिए, बताओ नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा ओपन किया जाए। जल्दी से, टाइम जा रहा है। बताओ कौन सा ब्रीफकेस ओपन करना है मैंने नेक्स्ट, बोलो ना, कब बोलोगे? 3 मिनट थे टोटल हमारे पास। ये 7 नंबर देख लो, देख लो, 7 में अगर निकला 10 लाख तो आज होगा कोई नया चैंपियन। आर यू गाइस रेडी फॉर इट? आर यू गाइस रेडी फॉर इट? 7 7 हुसैन इंतजार मैं कर रहा हूं तुम्हारा, बोलो 7 या फिर 1 या फिर 1 या फिर 7 या फिर रैपर बना दो मुझे तुम लोग हैं। बोलो नेक्स्ट क्या करना है, जल्दी से बोलो। हुसैन लाओ भाई नंबर 7 दे आओ। मैं बताऊं किस किस को मिलता है प्यार या जिंदगी में, मैं बताऊं तुम्हें आगे है अप्पी। 7 नंबर ब्रीफकेस ओपन करवा दिया हुसैन ने टीम टिकटॉकर्स के लिए। रेडी हो तुम लोग? शायद आज वो हो जाए जो तुम लोगों के साथ कभी नहीं हुआ, चैंपियंस का फाइनल नहीं हुआ अभी तक। सीजन 1 हारे तुम लोग, रमजान लीग हारे तुम लोग, लेकिन आज ब्रीफकेस नंबर 7 में शेरोज बेल्ट चाहिए मुझे। हुसैन ने 7 नंबर ओपन करवाया, और आज गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 2 के नए चैंपियन अभी तक
कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। सात नंबर में 2 लाख रुपए थे, वो भी गेम से बाहर। हटाओ से। क्यों रो रहे हो? चैंपियंस रोते नहीं है, चैंपियंस रोते नहीं हैं। तुम लोग डिफेंडिंग चैंपियन हो। एक ब्रीफ केस है तुम्हारी किस्मत और जीत के दरमियान। बताओ, नंबर वन ओपन कर दूं? अरे जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है। शादाब, ईद वाले दिन रोता हुआ कोई अच्छा नहीं लगता गाइस। खुश खुश आए हो, खुश खुश जाओ। अरे यार याद आया, हारो या जीतो बारबेक्यू खाने जा रहे हैं तुम्हारे घर। कॉल करके बोल दिया रेडी रखना, बहुत भूख लग रही है हमें। चलो भाई, सीधा ने कह दिया बारबेक्यू रेडी है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नंबर वन ओपन किया जाए या नहीं? 5 हुसैन, 4 मास, 3 दारेब, 2 रबीका, 1 टाइम अप। बोलो जल्दी, टाइम अप गाइस, टाइम अप। मुझे कॉल आ रही है, बोल रहे हैं टाइम अप हो गया। जल्दी बताओ, हम टाइम ऊपर जा चुके हैं। हुसैन जल्दी बताओ, हुसैन के हाथ कब कब आ रहे। ला भाई जल्दी से, हुसैन हुसैन जल्दी से बोलो। नंबर वन ले आओ भाई, नंबर वन ला भाई, जल्दी से लाओ। मैं ओपन करूंगा ब्रीफ केस नंबर वन। शॉट बनाओ इनका। और हुसैन ने अपनी वो पावर यूज नहीं की जिसके थ्रू वो ब्रीफ केस स्वैप कर सकते थे। और आमिर, इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई हारे तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन ये गेम का रूल है, किसी एक को तो जीतना है और एक ने हारना है। आमिर, तुम खुद क्यों खेलना चाह रहे थे आज? गट फीलिंग थी नंबर 2 में होगा, मेरी गट फीलिंग थी तो, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ गया क्योंकि मेरी टीम ने सबने बोला कि उनको दे दो। अब ये तुम्हारी टीम को भुगतना टिकटॉकर्स की किस्मत। आज तुमने शायद नोटिस नहीं की थी, पोटली सेगमेंट में उनका कोई भी अमाउंट माइनस में नहीं निकला था। मुझे लग रहा था आमिर तुम्हें खुद खेलना चाहिए था, लेकिन मेजॉरिटी एक तरफ थी, चैंपियंस की 5 प्लेयर्स एक तरफ थे जो कह रहे थे कि आज सामने वाली टीम को मौका दिया जाए। यार देखो, पहली बात तो ये कि ईद है तो रोने की नहीं हो रही है, और इस ब्रीफ केस को देखने के बाद रोने की तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि गेम शो ऐसे चलेगा। सीजन 1 के विनर थे टीम टिकटॉकर्स, गेम शो ऐसे चलेगा सीजन 2। सीजन 2 में नए चैंपियन, टीम चैंपियन। एक नंबर ब्रीफ केस में 8 लाख रुपए थे। और आज पहली बार चैंपियंस वाकई में चैंपियन बने हैं, कोई टाइटल जीते हैं। बहुत ही वाइज डिसीजन था ये तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स का कि तुम लोगों ने
उनको खेलने की दावत दी, लेकिन गाइस वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड। रोने की नहीं हो रही है, क्या हो गया है, क्या हो गया है? आ जाओ सब, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। छह लोग मेरे यहां पर आ जाओ लेफ्ट पे, कमॉन कमॉन कमॉन, शाबाश, चलो आ जाओ। यहां से भी पूरी टीम आ जाए साथ, यहां पर आओ सारे, मेरे राइट साइड पर आएंगे सब लोग। रोने की नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंस रखना है। ईद तुम लोग घर पे मिल ली, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, लाइए जी जल्दी से। और ये सीजन टू बहुत सारी यादें यहां पर हमारे पास छोड़ के जा रहा है। मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया सीजन, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते थे टीम टिकटॉकर्स के लिए भी, टीम चैंपियंस के लिए भी, लेकिन किसी एक ने तो जीतना था। और आज अगर देखा जाए तो टीम चैंपियंस की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, पॉइंट्स टेबल पर ये लोग आगे थे। किस्मत चाहती तो साथ दे सकती थी टीम टिकटॉकर्स का, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, इसलिए नए चैंपियंस अभी तक बने नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज ये है कि ये फाइनल एक फाइनल नहीं है, ये बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स हैं जो ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आएंगे। इन तीन फाइनल्स में जो भी टीम दो फाइनल्स जीतेगी, गेम शो ऐसे चलेगा, चैलेंज की विनर होगी वही टीम। इतनी आसानी से बेल्ट थोड़ी ले जाने दूंगा, लेकिन अब पूरा मौका है टीम चैंपियंस के पास कि कल का अगर फाइनल ये जीत जाते हैं तो ये बेल्ट मैं कल ही टीम चैंपियंस को दे दूंगा। अगर कहीं ये फाइनल टीम टिकटॉकर्स जीते हैं तो इसका फैसला ईद के तीसरे दिन होगा, तीसरे फाइनल में, और ये ईद का, बड़ी ईद का सबसे बड़ा सरप्राइज था। लेकिन आज के विनर है टीम चैंपियंस, और मेरी तरफ से चैंपियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक। और टिकटॉकर्स आपके पास अभी भी चांस है। और अगर गौर कीजिएगा तो जब मैं लास्ट मंडे को कहकर गया था आप लोगों से, मैंने एंड में कहा था कि जीतेगा वही जो ये फाइनल्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।